दोस्तों अगर आप भी श्रेयस अय्यर को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज खेल चुकी है और श्रीलंका को क्लीन स्वीप कर दिया है, और भारतीय टीम ने श्रीलंका को जो क्लीन स्वीप किया है उसमें भारतीय टीम के बल्लेबाजों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसमें श्रेयस अय्यर सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी रहे और उनके सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने बयान दिया है, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं रोहित शर्मा ने श्रेयस अय्यर को लेकर क्या बयान दिया है। लेकिन उससे पहले श्रेयस अय्यर और रोहित शर्मा में कौन है बेहतरीन बल्लेबाज, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों भारतीय टीम ने श्रीलंका की टीम को 3 मैचों की टी20 सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया, जिसमें भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया और भारतीय टीम ने अंतिम मुकाबले में श्रीलंका की टीम को 147 रन पर रोक दिया, और इसके बाद भारतीय टीम ने 148 रनों के लक्ष्य को आराम से हासिल कर लिया, जिसमें श्रेयस अय्यर का अर्धशतक शामिल था और श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज जीत ली। और इस सीरीज में श्रेयस अय्यर ने लगातार 3 अर्धशतक 3 मैचों में जड़े, जो वास्तव में बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है, और श्रेयस अय्यर चौथे भारतीय बन गए जिन्होंने 3 मैचों की टी20 सीरीज में 3 मैचों में यानी कि सभी मैचों में अर्धशतक लगाए, और तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने एक ही सीरीज में 3 मैचों में अर्धशतक जड़े हैं। और श्रेयस अय्यर ने इस सीरीज में 3 मैचों में 200 रन बनाए, जो कि वास्तव में एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की निशानी है। और इस सीरीज को जीतने के बाद भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने श्रेयस अय्यर को लेकर बयान दिया है और कहा है कि भारतीय टीम के पास में इस सीरीज में बेहतरीन बल्लेबाजी थी और बेहतरीन बल्लेबाजी के कारण भारतीय टीम ने श्रीलंका को एक तरफा हरा दिया, और भारतीय टीम की बल्लेबाजी में अगर किसी खिलाड़ी ने सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया है तो वो है श्रेयस अय्यर, क्योंकि श्रेयस अय्यर लगातार भारतीय टीम के लिए बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस सीरीज में तो श्रेयस अय्यर अगर नहीं होते तो भारतीय टीम शायद मुश्किल से ही जीत पाती, क्योंकि श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी में उनकी नेचुरल बल्लेबाजी देखने को मिली है, क्योंकि श्रेयस अय्यर तेज तर्रार बल्लेबाजी करने वाले प्लेयर हैं, लेकिन भारतीय टीम में उन्हें एक डिफेंसिव प्लेयर के रूप में रोल दिया गया था। और विराट कोहली की गैर मौजूदगी में श्रेयस अय्यर तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए, और उन्होंने विराट कोहली की कमी भारतीय टीम को महसूस ही नहीं होने दी, क्योंकि विराट कोहली से बेहतरीन प्रदर्शन श्रेयस अय्यर लगातार कर रहे हैं, और श्रेयस अय्यर की काबिलियत की तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने मध्य ओवरों में भारतीय टीम के लिए रन बटोरे हैं और भारतीय टीम के ऊपर से रन बनाने का दबाव भी हटा दिया, क्योंकि किसी भी टीम के पास में मध्य ओवरों में ही दबाव बनता है, लेकिन इस दबाव को हटाने में श्रेयस अय्यर ने अपना पूरा योगदान दिया और भारतीय टीम को लगातार 12 टी20 मुकाबले जिताने में अपना पूरा योगदान दिया। और श्रेयस अय्यर ने जिस तरीके से पूरा टी20 सीरीज में बल्लेबाजी की है, उनकी भारतीय टीम में वर्ल्ड कप के लिए जगह पक्की हो चुकी है। दोस्तों श्रेयस अय्यर आने वाले समय में विराट कोहली की जगह खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं या नहीं, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।